यहाँ उपस्थित टीचर्स को मेरा प्रणाम और जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनको प्यार भरा नमस्कार। सर ने इन्फॉर्मेशन मेरी दे दी है और उच्च स्वरूप के बारे में भी सर ने बता दिया है जो संस्कृति और इंटरेस्टेड हैं। जोर से बोलिए। चलिए पहले कथक की थोड़ी सी जानकारी देते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे चीजें आपको सिखाना शुरू करते हैं। कथक की तीन विधाएं होती हैं, आपको पता है कौन कौन सी कथक की तीन विधाएं होती हैं? अच्छा प्रस्तुतिकरण बता दो, कथक में पहले क्या होता है? नहीं पता, बीच बीच में मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे, आपको उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है? इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना और मैं आंसर करूंगी तो किसी से भी बीच में पूछ लूंगी कि आप Thank you.
कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिशी, क्षत्रिया, एक बार फिर से कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिशी, क्षत्रिया। अब पैरे बना के आते हैं, मतलब कथक, कथकली, बोलो कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, क्षत्रिया। पहले बन गए दोनों के। हम कथक के बारे में चलते हैं अब, है ना। आपको पता है कथक में विधाएं तो तीन है, है ना। विधाएं तीन हमने बता दी, कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं कथक। पहले गणेश वंदना मतलब स्तुति करते हैं, फिर ताल लय को प्रस्तुत करते हैं। ताल लय को प्रस्तुत करने के बाद हम एक किसी को पता है, नहीं पता होगा अभी हम बता दें। पहला मंदिर ताल कौन सा बने हैं, तो कौन कौन से हैं वो, लखनऊ। रिपीट करना मेरे साथ, बीच में पूछूंगी क्वेश्चन तो फिर शांत हो जाओगे आप लोग, इसलिए याद करना और रिपीट करना तो याद हो जाएगा। लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़। लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़। लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़। अब रायगढ़, लखनऊ जो है, लखनऊ में तो समझ में आ रही है मुस्लिम्स के एरिया से आता है, है ना। सबसे ज्यादा लखनऊ में मुस्लिम्स ही होते हैं, तो उसकी पोशाक कैसी थी लखनऊ घराने की। तो सबसे पहले Thank you.
वन टू, राइट पैर पीछे लेंगे ऐसे, आपको नहीं लेना, जो नीचे बैठे वो नहीं लेंगे, जो खड़े हैं वो लेंगे, जो मेरे पीछे खड़े हैं बच्चे वो लेंगे पैर, ठीक है। पैर पीछे किया, राइट पैर, सबका राइट पैर ही होना चाहिए, लेफ्ट पैर ही कंफ्यूज नहीं होना। Thank you.